झांसी जनता मांगे पानी नहीं सुनती प्रदेश की महारानी के नारों के साथ सोमवार को महाराणा प्रताप नगर स्थित बी ब्लॉक विकास समिति के क्षेत्रवासियों ने एडीए कार्यालय के बाहर अनिश्चितकालीन धरना दिया और क्षेत्र में हो रही पानी की समस्या को दूर करने की मांग की। भीषण गर्मी होने के साथ ही शहर में लगातार पानी की समस्या से शहरवासियों को जूझना पड़ रहा है। शहर में 3 से 4 दिनों में एक बार लोगों को पीने का पानी उपलब्ध हो पा रहा है। इसी पेयजल की समस्या को लेकर महाराणा प्रताप नगर बी ब्लॉक विकास समिति के क्षेत्रवासियों ने एडीए कार्यालय के बाहर अनिश्चितकालीन धरना दिया और पेयजल की समस्या को दूर करने की मांग रखी। क्षेत्रवासियों ने कहा कि एडीए की ओर से विकसित कॉलोनी होने के बावजूद भी यहां पिछले 2 महीनों से उनको पानी की समस्या से जूझना पड़ रहा है। इसको लेकर आज उन्होंने धरना दिया है। धरने में महिलाएं भी शामिल थी। क्षेत्रवासियों ने कहा कि एडीए उनसे विकास के नाम से शुल्क वसूल रही है, लेकिन उसके बावजूद भी कॉलोनी में पानी की पाइपलाइन नहीं डाली गई है, जिसके चलते क्षेत्रवासियों को पानी की समस्या से जूझना पड़ रहा है। धरने पर बैठे क्षेत्रवासियों ने मांग की है कि जल्द ही उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वह उग्र आंदोलन करेंगे। आज महाराणा प्रताप नगर और कोटला आवासीय योजना के इतनी पानी की समस्या है कि एडीए के हमारे अध्यक्ष महोदय जी को, हमारे सेक्रेटरी साहब को, हमारे कलेक्टर साहब को कितनी बार हम लोगों ने ज्ञापन दे दिए, फेस टू फेस जाके मिल दिए, उसके बावजूद भी आज 3-3, 4-4 महीने से हफ्ते में एक बार पानी आएगा, वो भी 2 या 1 मटका भी आदमी भर नहीं पी नहीं सकता, इतना सी पानी आता है। और एडीए प्रेशर के बारे में तो सुनती नहीं है, और ये एलिवेटेड रोड की बनाने की बातें कर रहे हैं। हमको एलिवेटेड रोड बाद में चाहिए, पहले जनता को पानी चाहिए। अगर ये जनता को पानी नहीं दे सकती तो ये कैसी एडीए, पहली बात। दूसरी में जब हम लोगों ने वहाँ के प्लॉट लिए थे तो एडीए ने ये कहा था कि पानी, बिजली और सड़क इसकी मेन समस्या है, एडीए दूर करेगी। और आज हम लोग मजबूर होके पूरी कॉलोनी वासी यहाँ पे धरने पे बैठे हैं। स्वामी न्यूज के सभी दर्शक तरोताजा खबरों के लिए यूट्यूब पर स्वामी न्यूज को सब्सक्राइब करें, साथ ही शहर से जुड़ी तमाम खबरों के तुरंत अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। यह न्यूज आपको कैसी लगी, इसके लिए हमें कमेंट बॉक्स में आपके अमूल्य सुझाव दीजिए और इस वीडियो को लाइक व शेयर करें।